good morning children this is the last part of rep representation of the earth okay we were discussing map okay so uh, and component of map uh, we had discussed symbols in last part now uh, in this part we, we are going to begin with scale component of map is scale every map is drawn according to a scale you all know

if on a map the scale states that 1 centimeter is equal to 100 kilometers it means that a centimeter that 1 centimeter on the map is equal to 100 kilometers on the earth they go children जब मान लो कि हंड्रेड किलोमीटर्स को हमने यहाँ पे मान लिया है वन सेंटीमीटर ठीक है वन सेंटीमीटर जब हम दिखा रहे हैं मैप के ऊपर तो आप उसको क्या समझेंगे कि ये हंड्रेड किलोमीटर्स के बराबर की चीज वन सेंटीमीटर में डिस्टेंस जो है वो दिखाया जा रहा है एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि राजस्थान से राजस्थान से मान लो कि दिल्ली ठीक है यहाँ तक हम मान रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ओके एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं कि राजस्थान से दिल्ली जो है अगर वो हंड्रेड किलोमीटर्स का डिस्टेंस है तो मैप पे हम उसको कितने में दिखाएंगे वन सेंटीमीटर के अंदर क्या हम राजस्थान से दिल्ली का जितना एक्चुअल डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस हम मैप के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं नो no. तो हम क्या करेंगे इसके बदले हम लोग एक स्केल फिक्स कर लेते हैं हंड्रेड किलोमीटर्स को हम कितने में दिखाएंगे वन सेंटीमीटर में स्केल जो सिंपल टाइप मैप में जो यूज किया जाता है वो लीनियर स्केल होता है सिंगल स्ट्रेट लाइन ऑन अ मैप इज ड्रॉन एंड डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है डिस्टेंस को ओके द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द अर्थ इज गिवेन ऑन द लाइन अर्थ का एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो लाइन के ऊपर दिया हुआ है लुक एट द लीनियर स्के ध्यान से देखो इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इज ए यू कैन सी स्टैंड फॉर ऑन जीरो जीरो पे है ए दिखाया जा रहा है ठीक है द डिस्टेंस बिट्वीन ए एंड बी इन द मैप इज इक्वल टू हंड्रेड किलोमीटर्स ऑन द अर्थ अर्थ पे ये जो ए से बी का डिस्टेंस है ये कितने में दिखाया गया मैप पे एक सेंटीमीटर में दिखाया गया लेकिन ये जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो अर्थ पे कितना है हंड्रेड किलोमीटर्स है द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू टू हंड्रेड किलोमीटर्स डबल हो जाएगा एंड सो ऑन इसी तरीके से फिर सब डबल होता चला जाएगा ओके okay? चलिए एक और चीज रह गया चिल्ड्रेन आपने पहले भी कॉम्पास पढ़ा है चाइनीज इन्वेंशन है ओके अ कॉम्पस हेल्प आस इन फाइंडिंग डायरेक्शन वी ऑल नो इट हैज अ मैग्नेटिक निडल विच ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ जो एक इसका एक ही हैंड होता है जो कि हमेशा क्या दिखाता है नॉर्थ दिखाता है सेलर्स एंड नेविगेटर्स मेड यूज टू यूज ऑफ कॉम्पस इन ओल्डन डेज आप जानते हैं पुराने जमाने में सेलर्स और नेविगेटर्स जो थे वो कॉम्पस को यूज करते थे डायरेक्शन जानने के लिए ओके okay, चिल्ड्रन Map is direction. Okay. Uh, map. If you want to read the map, yes, na, perfectly. You should know the directions. Okay. You, you should know. Uh, you should have the knowledge of direction for studying a map properly. Okay. There are four main directions: east, west, north, and south. We all know that. Yes, na. There are four main directions, and they are also called कार्डिनल डायरेक्शंस वॉट वी कॉल देम कार्डिनल डायरेक्शन ओके द टॉप ऑफ द मैप यू कैन सी द टॉप ऑफ द मैप येस द टॉप ऑफ द मैप इंडिकेट्स द नॉर्थ ओके नॉर्थ डायरेक्शन टॉप ऑफ द मैप जो होता है ऊपर जो होता है दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन एंड बॉटम ऑफ इट्स शोज द साउथ अब बॉटम ऑफ द मैप जो होता है वो साउथ होता है ये सीधा मैप रखने का तरीका होता है ओके टॉप ऑफ द मैप इज north and bottom of the map is south side right. it is east and to the left is west you can see uh, clearly okay children to the right side it is east and to the left side it is west to the four main directions there are four sub directions also you can see the map nw nes e, sw all, they are all called sub directions and we also call them intermediary direction okay the four main directions are called cardinal directions and they are called sub directions are called intermediary direction okay children between north and west it is northwest you can see we can call them northwest okay between north and east it is northeast between south and west it is southwest and between south and east it is southeast okay children आपने फोर जो कार्डिनल मेन कार्डिनल डायरेक्शंस देखा है अगर आपसे कोई पूछेगा कि वेयर इज़ जम्मू एंड कश्मीर यू कैन इजीली से इट इज़ इन नॉर्थ यस ना बट अगर आपसे कोई पूछेगा कि पश्चिम बंगाल किधर है वेयर इज बंगाल ओके तो आप क्या बोलेंगे आप क्या कह सकते हैं इसको कि ये नॉर्थ ईस्ट में है बिकॉज ये नॉर्थ के साइड भी है ईस्ट के साइड भी है एक्सट्रीम ना तो ये एक्सट्रीम नॉर्थ पे पड़ता है ना एक्सट्रीम ईस्ट पे पड़ता है ओके okay? तो आप क्या बोलेंगे इसको नॉर्थ ईस्ट ओके कोई पूछेगा बिहार वेयर इज बिहार टेल मी द डायरेक्शन ऑफ बिहार यू विल से इट इज इन नॉर्थ ईस्ट ओके नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज टूवर्ड्स द नॉर्थ वी ऑल नो तमिलनाडु यू कैन से टूवर्ड्स द साउथ गुजरात इज इन द वेस्ट एंड आसम एंड नागालैंड आर इन द ईस्ट इसको हम इसलिए इज़ीली डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट में पढ़ते हैं ओके डायरेक्शंस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शंस जो है वो हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं मेजर किया जाता है ऑल द मैप्स फॉलोज अ यूनिफॉर्म वे ऑफ शोइंग द डायरेक्शन जितने भी मैप होते हैं सब एक यूनिफॉर्म्ड वे में काम करते हैं सब सबके डायरेक्शन शो करने का तरीका सेम होता है मीन्स यूनिफॉर्म्ड वे ओके चिल्ड्रेन वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ अ मैप इज कलर स्कीम ओके वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास फाइव कलर्स की लिटिल लिटिल बेट यस ना दैट वॉटर शोज ब्लू इन कलर इन द मैप यस ना एंड माउंटेन शोज ब्राउन सो इन मैप्स सर्टन स्टैंडर्ड कलर्स आर यूज टू शो वेरियस फिजिकल फीचर्स यस ना जो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं उसको दिखाने के लिए कुछ कलर्स का यूज किया जाता है इन द मैप सच एज प्लेन माउंटेन हिल्स ओशन एंड सीज ओके ओशन सीज Lakes and rivers are shown in blue color. Okay, means water body is shown in blue color. Dark blue means deep water, and light blue means shallow water. You can easily understand the difference. Dark blue is deep water. Okay, uh, dark blue shows deep water, and light blue shows shallow water. Thora, company or dark blue, uh, deep water. Okay now green you can see green part in the map okay green shows plains and forests okay green reef. green color shows plains and forest now brown and yellow you can see uh, both the colors in the map also so uh, they are uh, they show mountain and highlands dark brown shows high mountains you can see dark brown yes dark brown shows high mountains whereas light brown shows low mountains okay and hills yellow you can see the color yellow in the map yellow shows plateau or highlands plateau you know uber khabar uneven uh, surface is known as plateau okay to uh, represent color scheme and index key you can see the index key okay index key is used in the map दिस की शोज द हाइट ऑफ द लैंड एंड डेफ्थ ऑफ द वॉटर अब और बिलो सी लेवल द कलर स्कीम इज द सेम फॉर ऑल मैप्स यस ना कलर स्कीम जो होता है वो पूरे वर्ल्ड में और सभी मैप्स के लिए सेम होता है ठीक है टाइप्स ऑफ मैप मैप्स प्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड इन अंपल विजुअल वे ओके चूड्रेन maps present information about the world in a simple and visual way we can see the map okay visually okay they teach about the world by showing sizes and shapes of countries locations of features and distances between places we can see what we can see in the map uh, and what uh, the maps teach us okay they teach about the world by showing sizes and shapes of countries locations of features and distances between places maps can show, uh, show distributions of things over earth such as settlement patterns okay children maps are broadly classified on the basis of scale or the type of information they contain on the basis of scale these are categorized as large scale map and small scale maps now large scale map large scale map represent small area on large scale okay अंडरस्टूड लार्ज स्केल रिप्रेजेंट्स स्मॉल एरिया देखो छोटे एरिया को एक लार्ज स्केल पे दिखाता है ओके सच मैप्स आर टोप्राफिक टोपोग्राफिक मैप्स व्हिच शो ग्रेटर डिटेल्स ऑफ सिटीज विलेजेस माउंटेन्स एक्सेट्रा ठीक है एक स्मॉल एरिया लाइक सिटी लाइक विलेज ओके लाइक माउंटेन इसको एक बड़े लेवल पे ये दिखाता है लार्ज स्केल पे दिखाता है ओके okay? डिटेल्ड ओके okay? समझ गए बात को डिटेल्स बताता है सिटी का डिटेल पूरा विलेज का पूरा डिटेल ऑल राइट नाउ दे रिप्रेजेंट दीज डिटेल्स विद द हेल्प ऑफ काउंटर्स एंड सिंबल्स फॉर एग्जाम्पल द स्केल मे बी वन सेंटीमीटर इक्वल टू वन किलोमीटर इट मीन्स वन सेंटीमीटर ऑन अ मैप इज रिप्रेजेंटिंग कॉरेस्पॉन्डिंग वन किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड देखिए आपको स्केल में पहले ही बताया है ठीक है वन सेंटीमीटर में पूरा एक एक किलोमीटर को ये दिखा देगा इन द मैप मैप तो मैप तो छोटा होता है ना उसके ऊपर एक किलोमीटर का आ, हम डिस्टेंस नहीं दिखा सकते हैं सो so, एक सेंटीमीटर में हम पूरे एक किलोमीटर को मैप के अंदर एक किलोमीटर में जो भी चीज़ें हैं वो हम सिर्फ एक सेंटीमीटर के अंदर दिखा देते हैं सो so, हुआ ना ये स्मॉल एरिया में लार्ज स्केल को दिखाना अब बात समझ रहे हैं स्मॉल एरिया छोटे से एरिया में मैप के छोटे से एरिया में हमने बड़े से पिक्चर को वन किलोमीटर तक के डिस्टेंस की चीजों को दिखा दिया ओके चिल्ड्रन नाउ स्मॉल स्केल मैप्स स्मॉल स्केल मैप्स मैप्स आर दोज लार्जर एरिया विद डिटेल्स यस ये जस्ट रिवर्स हो जा रहा है ओके लार्ज स्केल से लार्ज स्केल मैप से ये जस्ट रिवर्स हो जा रहा है देखिए ध्यान से सुनिए स्मॉल स्केल मैप्स आर दोज मैप्स विच शो लार्जर एरिया विद लेस डिटेल्स ये स्मॉल स्केल मैप्स जो हैं वो लार्जर एरिया को छोटे कम डिटेल्स के साथ बताएगा ओके वॉल मैप्स ऑफ एटलस Maps showing world, continents, countries, and states with limited information for small scale maps. For example, the scale may be of 1 centimeter equal to 100 kilometers. Okay, that is 1 centimeter on the map is representing.

जब हम लोग लार्ज स्केल में कर रहे थे तो वन सेंटीमीटर एक किलोमीटर को हम वन सेंटीमीटर के अंदर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रहा था मीन्स छोटे से एरिया में बड़ा डिटेल्स बताया जा रहा था लेकिन स्मॉल स्केल मैप्स में क्या होता है कि बड़े छोटे से एरिया में बड़े से एरिया में बहुत कम डिटेल के साथ चीज़ों को बताया जा रहा है जस्ट रिवर्स हो गया ये लार्ज स्केल मैप से स्मॉल स्केल मैप में क्लियर हुआ चिल्ड्रेन ओके नाउ टाइप्स ऑफ मैप पे आते हैं हम लोग कितने टाइप्स का मैप होता है लुक यू हैव टू स्टडी ओनली थ्री टाइप ऑफ मैप दैट इज दैट इज पॉलिटिकल मैप फिजिकल मैप एंड थेमेटिक मैप बट आई विल टेल यू टू मोर मैप्स दैट इज क्लाइमेट मैप एंड रोड मैप ओके यू शुड नो दिज आर कॉमन डिटेल्स ओके यू शुड नो दैट सो आई विल एक्सप्लेन टू मोर दैट इज क्लाइमेट मैप एंड रोड मैप फर्स्ट पोलिटिकल मैप a political map shows the state and national boundaries of a place i have already explained you in previous classes but again a political map shows the state and national boundaries of a place yes you can find uh, boundaries of states and different nations in political map okay a political map doesn't have any टोपोग्राफिक फीचर देखिए पॉलिटिकल मैप में कोई टोपोग्राफिक फीचर कैसा क्रॉप uh, उगाया जाता है उस कंट्री के अंदर या स्टेट के अंदर कैसे रोड्स हैं कैसा क्लाइमेट है कुछ डिटेल नहीं ओनली अबाउट बाउंड्रीज ऑफ सिटीज ऑफ कंट्रीज ऑफ स्टेट्स ऑल राइट गेट ऑल दीज थिंग्स ओनली बाउंड्रीज ओके इट ऑल्सो शोज द लोकेशन ऑफ सिटीज विध रेस्पेक्ट ऑफ रेस्पेक्ट टू ईच अदर इट ऑल्सो शोज़ द लोकेशन ऑफ सिटीज विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर क्या लोकेशन है दो सिटीज के बीच का क्या लोकेशन है वो भी आपको पता लगेगा इन पोलिटिकल मैप नाउकम टू फिजिकल मैप A physical map is one which shows the physical features of a place or country like rivers like mountains, forests, and lake. you know physical features jo a country ka uske, uska detail you can get in physical map like rivers, mountains, forests, and lake understood children.

are shown in dark green and as the elevation increases the color becomes light green and eventually orange okay mountains are shown in brown yes we have already studied okay children now come to thematic map a thematic map emphasizes a particular theme or special topic such as average um, average distribution of rainfall, distribution of crops, minerals, population, line of transport, etc. in an area. They are used to enhance one's understanding of the maps, them, uh, maps, theme, and purpose. Okay, children. So, you understood thematic map. Now, come to climate map.

rainfall in India okay and uh, you will find that uh, um, uh, Rajasthan is uh, Rajasthan is having a dry weather okay. Aapko climate kapata hai in climate map it uses colors to depict areas with different climate okay? now last one is road map road map is the most widely used map which shows different roads. हाईवेज और रेलवेज प्रेजेंट इन द एरिया रोड मैप में आप क्या देख सकते हैं एक वाइडली बहुत ज़्यादा यूज होने वाला मैप uh, है ओके okay? बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ और यू कैन फाइंड रोड्स हाईवेज एंड रेलवेज प्रेजेंट इन दैट एरिया आपको ये दिखाया जाता है इन रोड मैप इट इज अ वेरी डिटेल्ड मैप एंड इज जनरली यूज फॉर डायरेक्शन परपस येस इसमें आपको डायरेक्शन्स का पता चलता है रोड मैप्स आर यूजली मेड इंडिविजुअली सिटी वाइज जी हाँ रोड मैप जो है वो इंडिविजुअल बनाया जाता है सिटीवाइज़ बनाया जाता है ठीक है ये पूरे कंट्री लेवल पर तो कितना बड़ा हो जाएगा आप इमेजिन करके देखिए सो सिटी वाइज समझना भी ईजी होता है इसलिए स्मॉल स्केल लेवल पर बनाया जाता है ओके okay? देर आर रोड मैप्स प्रजेंट फॉर एंड एंटायर कंट्री टू बट दे कैनॉट बी मेड वेरी डिटेल्स ये आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू की रोड मैप जो है वो कंट्री लेवल पर भी बनाया जाता है बनाया जा सकता है बट इसमें आपको बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा बहुत क्लियर अंडरस्टैंड आप नहीं कर सकेंगे इसको सो सिटी वाइज जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है Now, come to plan. Okay, children, what is the difference between a map and a plan? A plan is a layout of a building, a factory, a playground, etc. Okay, it is drawn on a comparatively large scale and show directions. The details of room, verandas, open space, uh, etc., are showing along. विद देयर डायमेंशंस ठीक है प्लान के अंदर क्या होता है एक बिल्डिंग का प्लान हो सकता है फैक्ट्री का हो सकता है प्ले ग्राउंड का हो सकता है विद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पूरे डायमेंशंस के साथ लेंथ विड्थ हाइट ओके सब कुछ डेफ्थ uh, ये सब कुछ के साथ एक प्लान बनाया जाता है ओके द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान इज दैट अ मैप शोज इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड फीचर्स फॉर Definite purpose, but a plan is a layout of very small area. Understood? With the development of computer technology, the technique of map making has undergone. चेंजेज हाँ येस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होता गया है बहुत से चेंजेस यू कैन फील आप ही देखते हैं अपने डेली लाइफ में और सबको पता है कंप्यूटर हेल्प्स टू ड्रॉ एवरी एक्यूरेट शार्प एंड नीट मैप बिल्कुल मैनुअली ड्रॉ किया हुआ मैप से ज़्यादा बेहतर कंप्यूटर जो ड्रॉ करता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है शार्प होता है और नीट मैप होता है यस yes. अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे मैन मेड मैप और कंप्यूटर से बना हुआ मैप तो आपको ज़्यादा एक्यूरेट मिलेगा कंप्यूटर से बना हुआ मैप इफ़ यू कंपेयर एन ओल्ड मैप विद अ कंप्यूटर जनरेटेड इम्प्रूव्ड मैप यू कैन ईजीली नो द डिफरेंस बिटवीन देम येस द न्यू मैप्स पोजेज हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ज़्यादा एक्यूरेसी किस में होती है कंप्यूटर मेड मैप में ओके okay ना one more point is atlas an atlas is a collection of maps of the world we all know you all are having atlas book of maps yes na so an atlas is a collection of maps of the world the continent and mm, selected countries it may also include information and diagrams dealing with various topics like solar system geographical features of the earth population data yes na okay children this is all about the chapter hope you understood each and everything thank you